आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के रोकथाम के लिए जो कि पूरी तरीके से बंद करने के लिए जो कि अपील किया था, ऐसे में चरणबद्ध तरीके से 2022 तक के हमारा जो भारत देश है प्लास्टिक मुक्त होगा, ऐसा उनका अपील था। लगातार जो कि मंचों के माध्यम से, लगातार जो कि बात की जाए तो सोशल के माध्यम से इस अपील को लगातार जो कि जो आम जनमानस तक के पहुंचे, इसके लिए जो अलग अलग तरीके के जो लोग हैं, जो प्राकृतिक के लिए जो काम करने वाले जो लोग हैं, वो मौके से पहुंच करके इस अभियान में लगातार जुड़ रहे थे, जनमानस को जो है अपील कर रहे थे, उन्हें जागरूक कर रहे थे। जिस तरीके से बात की जाए तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जो बस्तर आए हुए हैं, जो प्राकृतिक के लिए काम करने वाले जो हीरोज़ हैं, उन हीरोज़ में से एक हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं शंकर हूँ और आप बस्तर साइड देख रहे हैं। बस्तर साइड में आपका स्वागत है। आज बस्तर साइड में हम बात करेंगे जो कि 2 अक्टूबर आज है और गांधी जयंती, ऐसे में बात की जाए तो स्वच्छ भारत के तरफ से अगर बात की जाए तो जो प्लास्टिक है एक सबसे बड़ा आज जो कि फूड चैन में भी प्लास्टिक आ चुका है, जो कि सेहत को तगड़ा ख़राब कर रहा है। ऐसे में हम बात करने की कोशिश करते हैं प्राकृतिक वातावरण, वायु प्रदूषण, वायु के साथ साथ जो कि जल प्रदूषण, ऐसे तमाम जो कि प्राकृतिक से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, जो आज प्लास्टिक रोकथाम के लिए जो जो इनका जो मुहिम है, ये किस तरीके का मुहिम है और बस्तर में किस तरीके के लोगों से मिले और कहाँ कहाँ जाकर के इन्होंने जागरूक किया, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका बस्तर साइड में स्वागत है जी। नमस्कार सर, और देखिए मेरा नाम पानू हालदार है, मैं इको क्लब प्रभारी हूँ बिलासपुर ज़िले का, और मेरी ये टीम के साथ में हम वॉलेंटरी जो है ये कैंपेन करते हैं, जो लोग भी बुलाते हैं वहाँ जाते हैं और करते हैं, और ये मुहिम हमारी जारी तब तक रहेगी जब तक लोग अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे जाने से और सो करने से अगर एक आदमी भी अपने व्यवहार में परिवर्तन हो करता है तो वो प्रकृति के लिए बहुत बड़ा काम करता है। हमारी टीम जो है वो नेचर बॉडीज़ इको क्लब है, स्कूल इको क्लब है, और हम लोग पिछले 4 दिनों से स्वच्छ बस्तर और सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त बस्तर के ऊपर में जन जागरूकता अभियान हम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जैसे आज जो है प्लास्टिक जो है हर लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। लोग कहीं भी जाते हैं प्लास्टिक को या तो लेके जाते हैं या तो दुकानों से प्लास्टिक लेते हैं, तो जहां हमें इस सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ अपनी लड़ाई जंग जीतनी है, उसके लिए हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, अपनी सोच में परिवर्तन लाना, कि अगर हम अपनी सोच में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं तो हम अपने आने वाले कल को क्या देंगे। एक प्लास्टिक युक्त प्रकृति और एक प्लास्टिक युक्त धरती, उसी के लिए हम यहाँ जिला प्रशासन के सहयोग से जो हमारे कलेक्टर जी है श्री चंदन कुमार जी के नेतृत्व में ये कैंपेन जो है यहाँ पे कर रहे हैं, और पिछले 4 दिनों में हम 10 से 12 स्कूलों के बच्चों को, उसके साथ ही साथ जन जागरण जो जनमानस है उनके साथ मिलके लोगों को बताया है, और बहुत अच्छी तरीके से लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक कितना ख़तरनाक है, और जो प्रशासन द्वारा जो बैन किया गया है उनको उसको फॉलो करना है। और ख़ासकर हम बस्तर के आसपास के जो टूरिस्ट प्लेस हैं उन जगहों पर भी जा रहे हैं और लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और प्लास्टिक का जो प्रयोग करते हैं और उसका उचित निष्पादन नहीं करते, तो अगर प्लास्टिक का उचित निष्पादन किया जाए तो भी हम सोचते हैं कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ लड़ाई लड़ लेंगे। तो ये कैंपेन हम चला रहे हैं और हम लोगों से ये शपथ ले रहे हैं कि वो घर से निकलते वक्त कपड़े की थैली ज़रूर ले जाए और दुकानदार से पन्नी ना ले, और प्लास्टिक कितना ख़तरनाक है वो समझे। ये लोगों तक हम पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है, कल तक हम लोग 19,500 जनमानस और स्कूली छात्र छात्राओं तक जो है पहुंच चुके हैं, और ये आज भी ये कैंपेन जारी है, और आज हम बृहद जो है तीरथगढ़ में सफाई अभियान चलाने जा रहे हैं, और साथ ही साथ वहां पे प्लास्टिक लाओ थैला पाओ जो है वो मशीन का भी वहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा, जहाँ पे आप अगर प्लास्टिक डालेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये पर्यावरण शिक्षण केंद्र के सहयोग से यहाँ पे किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इसका प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक चेन बना के जा रहे हैं कि हमारे जाने के बाद भी जो बस्तर के स्कूल है वो अपने अपने स्तर पर काम करेंगे और सारे बस्तर के स्कूलों को जोड़कर जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आमचो बस्तर, स्वच्छ बस्तर और प्लास्टिक मुक्त बस्तर, उस पर हमारा जो सपना वो पूरा होगा। चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक मुक्त होने की बात कही गई थी, तो ऐसे में आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो आप
जो हम आपकी जो टीम है ये कहाँ से आई हुई है और कितने लोग हैं और आगे और कब से कर रहे हैं आप लोग? सर ये हम लोग बिलासपुर से आए हुए हैं, हमारी स्कूल इको क्लब की टीम है और ये हम लोग पूरे प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में जाकर नुक्कड़ सभा का आयोजन करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करने से आने वाले भविष्य में हमको इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और हमारी 14 लोगों की टीम है और ये बच्चे हैं जो क्लास 7th-8th से लेकर 12th तक के बच्चे हैं और हम जो छुट्टियों का समय जो रहता है और प्रत्येक शनिवार रविवार का दिन जो रहता है उन दिनों में हम नुक्कड़ सभा का आयोजन करते हैं और जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चे पहुंचते हैं नुक्कड़ सभा में लोगों को बताते हैं तो लोगों को ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे प्लास्टिक के इतने दुष्परिणाम भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हम ईच वन टीच वन, एक सीखे और दूसरे को सिखाए, इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं और हमें आशा है कि बहुत जल्दी जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ जो है वो प्लास्टिक मुक्त होगा। धन्यवाद। देखिए बात की जाए तो जिस तरीके से जो सेहत पर इसका खासा असर पड़ रहा है, लोगों को थोड़ा सा बताइएगा कि सेहत पर, जैसे कि घर पर प्लास्टिक पहुँच चुका है, कैसे पहुँच रहा है, इसके लिए क्या कुछ लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है? देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग जो है प्लास्टिक को लेकर एक कॉमन चीज़ सोचते हैं लेकिन ये प्लास्टिक बहुत ख़तरनाक भी होता है। कम थिकनेस की जो प्लास्टिक होती है, जो काली पन्नी जो होती है, उसमें चाय लेके जाते हैं और उसको उपयोग में लाते हैं और ये प्लास्टिक कहीं ना कहीं चाय में घुलता है और हमारे शरीर के अंदर जाकर कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देता है। तो हर घर में, हर कण में प्लास्टिक आ चुका है। हमें अब खुद अपने आप से ये पूछना है कि हमें ये लड़ाई कैसे जीतनी है और सिर्फ एक जागरूकता ही है जिसके द्वारा हम प्लास्टिक जो है उसके खिलाफ़ लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक आज जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अब तुरंत हम उससे उसको छोड़ने बोलने से तो ये छूटेगा नहीं, लेकिन हम अगर उसका उचित निष्पादन करें और सही जगह पर प्लास्टिक को डिकम्पोज करें और कहाँ पे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये अगर हमको जानकारी मिल जाए तो ये हो सकता है कि आने वाले समय हमारा भविष्य जो है सुरक्षित हो। जैसे जागरूक करते हैं, खास करके बात की जाए तो हमारे दुनिया में 90 के दशक में तो प्लास्टिक था ही नहीं और मुझे लगता है कि फिर से हमें 90 के दशक की जो चीज़ें हैं उसे अपने जीवन में लाना पड़ेगा प्लास्टिक मुक्त करने के लिए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इसलिए हम जो है हमारे मंचन में हम नारद जी को जरूर उपयोग करते हैं कि महर्षि नारद जी सबसे बुद्धिमान प्राणियों में गिने जाते हैं, महर्षियों में गिने, और वो जब भारत का भ्रमण करते हैं, पृथ्वी धरती माता का भ्रमण करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, जबकि पहले समय में जो हमारे बुजुर्ग थे वो प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते थे उतना ज़्यादा और प्लास्टिक मुक्त ही था बोलने से, एक प्रकार से वो उन चीज़ों का उपयोग, मेटालिक चीज़ों का, धातुओं की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने अपने दिनचर्या में अपनी सुविधा के अनुसार प्लास्टिक का उपयोग करना शुरू किया है तो मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि हम आज से आने वाले 20-25 साल, आगे 25 सालों को सोचें कि हम अपने बच्चों को क्या देंगे। अगर हम अपनी आदतों को नहीं सुधारे तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनके कपड़े भी प्लास्टिक के हो, ज़मीन भी प्लास्टिक बोले, उनको प्लास्टिक में बैठना पड़े, तो सोचिए कितना जो असहनीय होगा कि हम प्लास्टिक ही प्लास्टिक चारों तरफ दिखेगा। तो मैं चाहूँगा कि आज चूँकि गांधी जयंती है और हम स्वच्छता ही सेवा जो इस गांधी जयंती का मुख्य उद्देश्य है, सब मिलकर ये प्रण करें कि हम अपने आने वाले कल को बचाने के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक का विलोपन अपने जीवन में जरूर करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमें समय दिया। देखिए इस तरीके से बात की जाए तो ये थे क्लब के, इको क्लब के प्रभारी थे, जैसे कि जो प्लास्टिक मुक्त होने के साथ ही साथ ये अपनी मुहिम के बारे में बता रहे थे। क्यों ना हो, जिस तरीके से 90 के दशक में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उस दौर में, उस दशक में वाकई में हमारे जीवन में प्लास्टिक नहीं था, कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए उसके बाद हमारे जीवन में प्लास्टिक आया और जीवन के साथ ही साथ अब घर पर भी प्लास्टिक आ चुका है, सेहत पर भी प्लास्टिक आ चुका है। ऐसे में हमें समझना होगा, हमें इस बात को समझना होगा कि 90 के दौर में, 90 के दशक में, उस दौरान मिट्टी से बने हुए पतीले हो या जो बात की जाए तो जो जिस तरीके से जो जूट बोरी से बने हुए जो तैले होते हैं, ऐसे तमाम चीजों का उपयोग में किया जाता था। स्वच्छ जगदलपुर।